हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। आई होप कि आपके आपके सारे एग्जाम्स भी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो एग्जाम्स के पेपर्स आपके पास हैं, जो आप लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं, तो डेफिनेटली उनके पेपर्स आपके पास होंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको कैम स्कैनर से या फिर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर से आप उसको थोड़ा सा उसका पीडीएफ बना करके आप मुझे अगर मेरे मेल आईडी पे भेज सकें तो काफी ज्यादा सहूलियत हो पाएगी, क्योंकि मैं उन्हीं सारे टॉपिक्स को फिर मैं कवर कर पाऊंगा, ताकि आने वाले समय में जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक तरीके से पढ़ें और एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाए। सो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैं उनको करवाऊँ। और चूंकि ये सेशन काफ़ी नया है, तो सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हमारे नेट पे अवेलेबल नहीं है, इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास हो तो आप काइंडली मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेल आईडी जो है आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मेल आईडी मेरा शो करेगा। आप वहां पे काइंडली मुझे अपना जो है सेंड कर दीजिए, अपना क्वेश्चन पेपर जो 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 भी आपके पास है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि है कॉमर्स की पाठशाला। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसको आपको दबा देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है ज्वाइन का बटन। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी ढेर सारी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको 24/7 जो है व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। एक नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना है। बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा 24/7। आपको नोट्स अगर खरीदते हैं हमसे तो 40% डिस्काउंट्स पे आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको असाइनमेंट्स हमसे लेने हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होगा। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं इस प्लान के तहत, ठीक है। जब भी स्टडी करें तो प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी करें। आप जब हमारे चैनल पे आए तो होम वाले सेक्शन पे भी आप डायरेक्टली आकर के कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जाना है, आपको यहाँ पे इग्नू बीकॉम न्यू शो करेगा। इग्नू बीकॉम न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको पढ़ करके सुन करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है स्टेट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क से कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। द क्रिटिकल डिफरेंस इन ईच टाइप लाइज इन द एक्सटेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज दे सर्व एंड देयर कोर पर्पस, है ना। तो अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो इसका मेन टाइप है, मतलब इसका जो टाइप है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, वो इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसका ज्योग्राफिकल एरिया कितना बड़ा है। जैसे कि मैं छोटा सा अगर एग्जांपल लूं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से समझ में आ रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब सिर्फ लोकल में ही काम करेगा, बड़े नेटवर्क के तौर पर ये काम नहीं कर सकता, है ना। तो जो क्रिटिकल अप्रोच है, जो क्रिटिकल डिफरेंस है इन दोनों इन चीजों का, वो हम उसके ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हम निकालने की कोशिश करते हैं, और उसका कोर पर्पस क्या है उसके बेसिस पे, ठीक है ना। सो द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। एक एक करके यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो होने वाला है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। पर्सनल एरिया नेटवर्क हम किसे बोलेंगे जी? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी डिवाइसेस दैट सर्व अ सिंगल इंडिविजुअल विद इन वन फैसिलिटी। ये आपको समझना है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी डिवाइसेज होती हैं, जहाँ पे जो सारी की सारी सर्विसेज हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए हैं, किसी एक जगह पे है ना। यहाँ पे देखो वन फैसिलिटी की बात की जा रही है, किसी एक जगह पे किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को बेनिफिट पहुंचाने के लिए मैंने एक नेटवर्क क्रिएट करा है, जहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेज जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट दे आर वर्किंग एज अ नेटवर्क, और इसका बेनिफिट जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मिल रहा है उस पर्टिकुलर फैसिलिटी में बैठ करके। तो उसे हम कहेंगे पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज रीचेबल विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स एंड इट इज एप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल बिजनेसेस और रेसिडेंसेस, है ना। तो इसका इसकी इसकी जो रीचेबिलिटी होती है वो सिर्फ 10 मीटर तक की होती है, मतलब आप जिस जगह पे बैठे हो, जिस जगह पे आपका सिस्टम है, वहां से 10 मीटर तक के एरिया तक रेडियस पूरा का पूरा जो है आपका कवर रहेगा, उसमें नेटवर्क आपको मिलेगा। लेकिन बाहर अगर आप निकलोगे तो फिर आपको नेटवर्क नहीं मिलने लगेगा। तो इसका जो रीचेबल एरिया होता है वो जो होता है वो विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स होता है, एंड इसका जो एप्रोप्रिएट होता है ये सबसे ज्यादा ये छोटे बिजनेसेस और रेसिडेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा होता है पैन के केस में, ठीक है ना। इट एनेबल डिवाइसेस इंक्लूड टेलीफोन, कंप्यूटर्स, वीडियो गेम्स, पेरिफेरल डिवाइसेस, ईडीसी। अब इस पैन नेटवर्क के माध्यम से आप बहुत सारे डिवाइसेस चला सकते हो। यहाँ पे देखो टेलीफोन के बारे में बोला गया, कंप्यूटर कर सकते हो, वीडियो गेमिंग कर सकते हो, पेरिफेरल जो डिवाइसेस होती हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो इस पैन नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है।
अगला टॉपिक जो हमारा है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि होने वाला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में बोला जा रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क आर लिमिटेड टू अ सिंगल बिल्डिंग लाइक एन ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो सिंगल एक बिल्डिंग से रिलेटेड होता है, किसी एक बिल्डिंग में, पूरी की पूरी बिल्डिंग में जो भी नेटवर्क का इस्तेमाल होगा वो लैन के थ्रू होगा। सपोज 6 माले हैं, 6 वहां पे फ्लोर्स हैं, तो हर एक फ्लोर पे जो नेटवर्क का इस्तेमाल होगा वो लैन होगा। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है नेटवर्क के साथ काम कर रही है। इट कवर्स अ डिफाइंड एरिया, इसका जो एरिया होता है डिफाइंड होता है कि भाई यहीं पे काम कर रही है, बाहर में कहीं आपको नहीं मिलेगा। एंड इट इज यूजफुल फॉर रिसोर्स शेयरिंग इंक्लूडिंग फाइल सर्वर्स प्रिंटर्स एंड डेटा स्टोरेज, है ना। और यहाँ पे जो एक तरीके से जो रिसोर्स शेयरिंग होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। सपोज एक कंप्यूटर अब आपके 6 माले पे है, दूसरा कंप्यूटर आपके 2रे या 3रे माले पे है। अब चीजें आपको अगर वहां से यहाँ लानी है तो फिजिकली लाने में दिक्कत होगी, है ना। यहाँ पे चूंकि आप लैन का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जितनी भी डिवाइसेज होती हैं वो सब सब आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो आप बहुत ही आसानी से वहां पे आप प्रिंट डाल सकते हो और आपका सेकंड या फिर थर्ड फ्लोर में जहां पर भी हो आपका प्रिंट आउट वहां से निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये फायदा यहाँ पे जो है आपको मिलता है। लैन हार्डवेयर सच एज ईथरनेट केबल्स एंड हब्स आर अफोर्डेबल टू एक्वायर द मेंटेन एंड मेंटेन, है ना। तो जो लैन की हार्डवेयर होती हैं वो इथरनेट हो गई, केबल्स हो गई, इथरनेट केबल्स हो गई, हब्स हो गई, वो बहुत ही सस्ते दामों पे अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, और आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हो। स्मॉल लैन कैन इफिशियंटली मैनेज 2 और 3 कंप्यूटर्स। स्मॉल लैन में आप 2 से 3 कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड लार्ज लैन कैन होस्ट थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स। और अगर कोई बड़ा सा लैन है तो उसके अंदर तो भाई आप थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन ईदर बी वायर्ड और वायरलेस। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है वो या तो वायर्ड होगी, मतलब तार के माध्यम से या तो उसका इस्तेमाल हो रहा होगा, या फिर तो वायरलेस होगी जहाँ पे तार का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, सो इट इज पॉपुलर विद मेनी एस्टैब्लिशमेंट बिकॉज ऑफ हायर स्पीड एंड लो सेटअप कॉस्ट, है ना। जो हमारा जो वायरलेस होता है ना वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है अभी के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे जो जो फिजिकल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है वो बहुत ही कम है, वहाँ पे ज्यादा इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्पीड बहुत हाई होती है और जो सेटअप का कॉस्ट है वो भी बहुत कम होता है। जब इक्विपमेंट ही नहीं है ज्यादा तो फिर सेटअप क्या ही करोगे आप, है ना, तो उसका कॉस्ट भी वहाँ पे कम होता है। तो ये लैन की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मैन, जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा कवर कर लेता हूँ। ये चलते हैं फिर मैन की तरफ कि भाई मैन का क्या कहना है। तो मैन का कहना है यहाँ पे जी, सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ मच लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे तो लैन के मुकाबले मैन जो है वो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। मैन इंक्लूड्स कॉन्फिगर्ड कंप्यूटर्स कवरिंग ए टाउन, सिटी और कैंपस। मैन का जो नेटवर्क होता है वो पूरा का पूरा एक तरीके से पूरे के पूरे शहर को, पूरे के पूरे सिटी को, पूरे के पूरे कैंपस को एक तरीके से ये मैनेज करता है, उसको नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो लैन तो सिर्फ एक जगह की बात हो गई ना, एक बिल्डिंग की बात हो गई, मैन पूरा का पूरा शहर की बात हो रही है। शहर में जितनी सारी बिल्डिंग्स है सब पे मैन का नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है, समझ रहे हो आप। सो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शंस मैन कैन कनेक्ट इधर अ सिंगल एरिया और क्रॉस सेवरल माइल्स, है ना। तो अगर हम कनेक्शंस की बात करें, कनेक्शंस की बेसिस की अगर बात करें, तो मैन जो होता है वो या फिर तो एक किसी सिंगल एरिया के बारे से रिलेटेड होगा, या फिर तो ये बहुत दूर तक सेवरल माइल्स को ये कवर कर पाता है। मैन इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ सेवरल लैंड्स लिंक टू क्रिएट अ ग्रेटर नेटवर्क। मैन जो होता है, अगर आप इन जनरल अगर आप बात करें, अगर आप बेसिकली बात करें तो ये लैन ही होता है, लेकिन ये बहुत ही लंबा चौड़ा इलाका को जो है कवर करता है और सारे लैंड्स आपस में एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण से जो इसका नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा बनता है, बहुत ही ग्रेटर नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट होता है। सो मैन इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ सेवरल लैंड्स, ये भी आपको याद रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क भी क्या होता है, इसका मैं कलर थोड़ा आप चेंज कर देता हूँ जी। सो वाइड एरिया नेटवर्क कवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया एज कम्पेयर टू द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड कैन कनेक्ट अ कंट्री और इवन कॉन्टिनेंट्स। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है भाई, इसका नेटवर्क बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। मैन में तो एक शहर की बात हो रही थी, यहाँ पे तो पूरे के पूरे देश की बात हो रही है, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो वैन जो होता है वो एरिया वाइज जो है बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है मैन के मुकाबले, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के मुकाबले। और ये जो है बहुत सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर सकता है और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है। द कंप्यूटर्स आर इंटरलिंक्ड थ्रू वेरियस केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स और सैटेलाइट्स। यहाँ पे जो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है वो सारे के सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, सभी जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, चाहे वो केबल का इस्तेमाल हो, ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो या सैटेलाइट का इस्तेमाल हो, इन सब के हेल्प के माध्यम से आप सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं।
यूजर्स कैन एक्सेस द नेटवर्क थ्रू मॉडेम्स, यूजर जो होते हैं वो मॉडेम के माध्यम से इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. वैन्स बेसिकली कंप्राइज सेवरल स्मॉलर नेटवर्क ऑफ लैंड्स एंड मैंस. अब वैन जो होता है वो छोटे छोटे नेटवर्क जो होते हैं मैन का या फिर लैंड का, उन सब से मिल करके एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है जिसे हम वैन कहेंगे या फिर वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे. ठीक है. द इंटरनेट विच कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क्स एंड गेटवेज इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक वैन, है ना. तो कोई एक ऐसा इंटरनेट जहाँ पे यू नो नेटवर्क्स एंड गेटवेज का इस्तेमाल हो रहा है बहुत ही ज्यादा, तो वो एक पब्लिक वैन का एग्जाम्पल वहां पे सेट किया जा रहा है, पब्लिक वैन वो कहलाएगा. ठीक है. ओके, अगला पॉइंट है होम एरिया नेटवर्क. ठीक है ना. तो होम एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड टू अ डिफाइंड बाउंड्री लाइक ए हाउस और होम हाउस होम ऑफिस सॉरी. तो जो होम एरिया नेटवर्क होता है, नाम से पता चल रहा है कि ये घर की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर घर की बात हो रही है. होम एरिया नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर में एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसकी बाउंड्री डिफाइन की हुई रहती है कि तुम्हारा जो काम है वो इस घर के अंदर तक का ही है, इसके बाहर तुम जाओगे तो तुम काम नहीं करोगे. तो घर का अंदर या फिर किसी ऑफिस में अगर आप लगाना चाहो तो होम एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल वहां पे हो सकता है. इट इज अ टाइप ऑफ आईपी बेस्ड लैन. यहाँ पे ये जिसका जो टाइप है ये एक आईपी बेस्ड लैन है which can either be wired or wireless, जो कि वायर भी हो सकता है वायरलेस भी हो सकता है. हैंड इज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल टू यूजर्स यूजिंग अ वायर्ड और वायरलेस मॉडेम, है ना. तो हैंड जो होता है वो एक तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तरह होता है जो कि यूजर्स के लिए अवेलेबल है वायर्ड या फिर वायरलेस मॉडेम के माध्यम से, कनेक्शन के माध्यम से. इट कंसिस्ट ऑफ शेयर डिवाइसेज लाइक फैक्सेस प्रिंटर्स स्कैनर्स. इसमें बहुत सारे यू नो शेयर डिवाइसेज होती हैं. होम एरिया नेटवर्क में छोटा सा एरिया है तो वहाँ पे सारी की सारी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है. कौन कौन से डिवाइसेज होती हैं, फैक्स हो गया, फैक्स मशीन हो गया, प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, ये सारी चीजें जो है वहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखें. बाय बाय. थैंक यू.